हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम उमर है और मेरे चैनल का नाम है फ्रेगरेंस गुरु उमर। मैं ज़्यादातर परफ्यूम्स के हवाले से पैशन रखता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आज जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो डोची गबाना लाइट ब्लू इंटेंस है। लेकिन सबसे पहले ये कहूँगा कि ये इसका तीसरा वर्जन है। पहला वर्जन रिलीज़ हुआ था वो 2001 में था, उसका नाम था डोची गबाना लाइट ब्लू। उसके बाद फिर उन्होंने 2007 में रिलीज़ किया, वो था डोची गबाना प्योर होम। और उसके बाद ये तीसरा वर्जन है डोची गबाना लाइट ब्लू प्योर होम, ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत फ्रेगरेंस है, ईजी गोइंग है। आप अगर कमेंट्स लाइक कर देंगे, आपको अच्छे कमेंट्स दें फ्रेगरेंस के हवाले से, या आप स्मेल बहुत अच्छी आपसे आ रही है, या गुड स्मेल होती ना, तो इस हवाले से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स कैटर है, ठीक है। लेकिन इसका एक है कि ये दूसरे दो वर्जन से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल इसको ऑब्वियसली इंटेंस का वर्जन दिया गया है कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बस एवरेज ही है। अगर लेकिन ये है कि आजकल आप डिस्काउंटेड वेबसाइट पे जाके आप डिस्काउंट प्राइस में ले सकते हैं, तो ये है कि आप रीअप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसको अभी पाकिस्तान में ही था, तो मैं इसको दिन में 3 बार रीअप्लाई करता था। इतनी ज़्यादा गर्मी में आप और ना आपका 40 डिग्री हो, तो ऑब्वियसली कोई भी फ्रेगरेंस इतनी देर आपके कपड़ों पर या आपके स्किन पर नहीं रह सकता। तो इसलिए इसको मैं आपको जल्दी से बॉक्स दिखा देता हूँ। यहाँ डोची गबाना लाइट ब्लू इंटेंस प्रिंट हुआ हुआ है और प्योर होम 200 ml, ठीक है। ये मेरे पास 200 ml था और मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया था। और इससे पहले यहाँ नीचे कोड वगैरह है और ये काफ़ी यू नो कि वेलवेट टेक्सचर की तरह इसका बॉक्स है। काफ़ी नाइस फीलिंग आती है जब आप इसको टच करते हैं। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये खूबसूरत फ्रोस्टी बोतल है और यहाँ नाम प्रिंट किया हुआ है डोची गबाना लाइट ब्लू इंटेंस, और ये इंटेंस वर्जन प्योर होम है यहाँ, ठीक है। यहाँ इसका शायद आपको लाइट की वजह से नज़र ना आए, ये है यहाँ पैच कोड वगैरह होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप चेक कर सकते हैं इसकी ऑनलाइन एक्सपायरी डेट, क्योंकि फ्रेगरेंस भी एक्सपायर हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं इसकी कैप के बारे में कहता हूँ कि ये क्लिक होती है तो ये काफ़ी सिक्योर है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है, लेकिन मैं काफ़ी हैवी बोतल 200 ml, तो मैं इसको इस तरह नहीं उठाऊँगा ऑब्वियसली, क्योंकि तो भाई ये टूट भी जाएगी। इसके बारे में सबसे पहले ये कहूँगा कि इसके नोट्स के हवाले से मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूँ। जो टॉप नोट्स है इसमें हैं जी, जेस्टी अकॉर्ड ऑफ लेमन और ग्रैनी स्मिथ एप्पल। ये जो जेस्टी अकॉर्ड ऑफ लेमन है जी का, हमारे यहाँ खाने में लेमन का जो जूस वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद ग्रैनी स्मिथ एप्पल है, ग्रीन एप्पल होते हैं वो खाने वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्ट नोट यानी मिडिल नोट है मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन, ये फ्लावर्स हैं हमारे यहाँ में पाए जाते हैं। और उसके बाद हम मैं कहूँगा जी बेस नोट्स वो हैं जी एम्बर वुड और मस्क, मतलब कस्तूरी और अम्बर लकड़ी, हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल लोग वगैरह करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समर बेस फ्रेगरेंस है और इसकी जो मेरे ख्याल में 4 घंटे इसकी मैक्सिमम लॉन्गजीविटी है। और मैं आपको ओबियसली डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा कि आप कहाँ से इसको यानी डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हैं। लेकिन ये फ्रेगरेंस डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट कैटर है, इसकी ओबियसली लाइफ थोड़ी है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी डे टाइम किसी फंक्शन में हैं और या कैजुअल आप सम फूड शॉपिंग में जाते हैं या वैसे शॉपिंग में जाते हैं या वैसे कैजुअल, ये कैजुअल फ्रेगरेंस है। लेकिन इसमें आपको ये बताता चलूँ, अगर आप मतलब अम्बर वुड या मस्क वगैरह लाइक करते हैं और उसमें आपको जो फील आता है वो अजोनिक है, सोल्टी है, ये फ्रेगरेंस सोल्टी भी है। अगर आप सोल्टी फ्रेगरेंस लाइक नहीं करते तो शायद सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि
अगर आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी जगह अब तो हैं कि आप सैंपल वगैरह ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो आप ब्लाइंड बाय ना कीजिए कि किसी ने रिव्यू कर दिया है तो आपने वही लेना है, क्योंकि जब आप मनी स्पेंड करते हैं, अगर पास आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह मर्जी आप इसको बर्न करें, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप ख़रीदना चाहें तो आप इसका सैंपल ले लें। और जब मैं आपको इसका बताऊं कि मुझे सबसे इसका अच्छा ये लगा कि एनमाइज़र काफ़ी वाइड है, कि उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको 3 से 4 स्प्रे कर लेते हैं तो फिर आप गुड टू गो हो जाता है। लेकिन मैं हमारे यहाँ काफ़ी प्रेगनेंसी की जो एनमाइज़र है वो काफ़ी थोड़ा आता है तो आपको काफ़ी बार स्प्रे करनी पड़ती है, लेकिन मुझे ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था तो मैं इसको कम से कम 7 से 8 स्प्रे करता हूँ, फिर भी ये मैक्सिमम 4 घंटे मेरे क्लॉथ पे रहता है। डिपेंड आप कहाँ हैं, लेकिन आप अच्छे इलाके हैं, ठंडे इलाके में हैं, थोड़ा सा अच्छा वेदर है तो बेसिकली ये इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सो सबसे पहले मैं इसको जब स्निफ करता हूँ तो ओबियसली लेमन आइजोनिक ओशन की तरह वाइब मिलता है, और यहाँ मैं साल्टी साल्टी ऑब्वियसली में इसमें साल्ट है ऑब्वियसली, लेकिन वो शो नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली ये गुड बाय है मेरे लिए। मैंने ये ब्लाइंड बाय ख़रीदा था, मैंने कोई सैंपल नहीं लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना मनी वेल स्पेंड, तो ये काफ़ी मुझे खुशी हुई कि मैंने इतनी अच्छी प्राइस में ले ली, 200 ml की है, और काफ़ी ये जंक मैंने यूज़ भी किया हुआ है। इसको मैं कैजुअल यूज़ करता हूँ। अब मेरे यहाँ अगर आप विंटर फ्रेगरेंस के वाले से भी, मैं आपको अभी मेरा वीडियो आने वाला है, अपलोड मैं करने वाला हूँ, उसके बाद स्प्रिंग में क्या मैं यूज़ करता हूँ, और मैं आपको ये बताऊँगा टॉप 5 मेरे ऊद फ्रेगरेंस कौन से हैं। हमारे यहाँ ऊद का बहुत आजकल रुझान है, लेकिन ये फ्रेगरेंस ये है कि इस पर आपका कोई ऑफेंडेड नहीं होगा, ये इजी गोइंग इजी लव फ्रेगरेंस है। गाइस ये था मेरा रिव्यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। थैंक यू, सी यू सून।